आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर आतंकवाद के हमले हो रहे हैं, बीजेपी और मोदी सरकार कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बना रही है। कांग्रेस नेता ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज मैं हफ्ता वसूली की बात उठा रहा हूं। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर निजी कंपनियों से सरकार हफ्ता वसूली कर रही है। आप भी सुनिए। क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है? कहां कहां से चंदा मिला है? और ये विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर जैसे कि आप दावा करते हैं कि आप का फाइनेंसिंग दल का पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है, आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में जो जानकारी ली गई है इन न्यूज पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं, ये ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड है, इनकम टैक्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। और तीसरा सवाल जो हमने कहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम लोकतंत्र को साफ करना चाहते हैं, हम फाइनेंसिंग को साफ करना चाहते हैं, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसी दावे के साथ आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की घोषणा की थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ था और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। तो क्या अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो इन तीन सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है, क्या उसका जवाब आप देंगे कि नहीं? तो साथियों, संक्षिप्त में मैं फिर से दोहराऊंगा, एक तरफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। मोदी सरकार की नीति साफ है, एक कंपनी को फायदा, बाकी कंपनियों को पीड़ा। एक कंपनी को फायदा, जो कंपनी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कब्जा में करती है और जो प्रमोटर थे जो मुंबई एयरपोर्ट को लागू कर रहे थे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करवाई और वो बेचारा कहा कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप मुंबई एयरपोर्ट लगाना चाहते हो ये लीजिए मुंबई एयरपोर्ट की चाबी। धमकी लेकर उस कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट पर कब्जा पाया। तो एक कंपनी को फायदा और बाकी सारे कंपनियों को पीड़ा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स संस्थाओं के द्वारा। और अगर आपको राहत चाहिए तो बीजेपी को चंदा दीजिए। 335 करोड़ रुपया ऐसे ही इकट्ठा हुआ है, ये हफ्ता वसूली रणनीति है, हफ्ता वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली सरकार है। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और बिल्कुल साफ है कि
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कदम लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी है, जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र तांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं, ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस लौट आए। पर हम समझते हैं कि जनता जान गई है, इन सब कारनामों से तंग आ गई है, और आज आप देख रहे हैं किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की घोषणा भी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की घोषणा हुई है। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया था हमारे देश को जय जवान, और आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जो नारा दे रहे हैं जेल जवान, जेल किसान, जय किसान नहीं जेल किसान। तो ये हकीकत है, बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है मोदी सरकार, बहुमत दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भी कहें 370 400 कोई नंबर कोई आंकड़ा लें, पर वो जान गई है कि सत्ता में आना उनका वापसी बहुत मुश्किल हो रहा है दिन बाय दिन। तो यही वजह है कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों को तंग करना, किसानों को जेल में डालना, ये सब असली चेहरा मोदी सरकार का देश के सामने दिखाई दे रहा है। ये खत की कॉपी आपको मिल जाएगी जो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आज हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को भेजा है। शुक्रिया। Just circulate all the letters. हाँ जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखिए ये शब्द मत कहिए कि आई एम एलिजिंग, मैंने एलिज को नहीं किया है, मैंने आरोप नहीं लगाया। ये सब जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये वेबसाइट पर है, ये पार्टी द्वारा जानकारी दी गई है, ये कंपनियों का नाम है किन के खिलाफ ईडीआई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, वो भी पब्लिक में है। वो तो ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो वास्तविकता है वो हम देश के सामने रख रहे हैं कि 30 कंपनियां हैं, इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, और इन्हीं 30 कंपनियों ने पिछले 4 वित्तीय सालों में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया है, उस पर सवाल है। तो ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। We've asked, we have raised 3 questions of the finance minister. 1, you put a white paper on the economy. Are you prepared, if you think you're claiming that you are transparent in party funding, will you come up with a white paper on party finances? Number 1. Number 2, the second question that we have asked is that if you have nothing to hide, then will you rebut point by point all the information that has come out on the 30 companies and their links with the BJP over the last 4 years, whether they are being investigated, which is a fact, whether they have funded the BJP, which is also a fact. If it's not a fact, you rebut it. That's the second question. And the third question we are asking, if you have nothing to hide, will you agree to a Supreme Court monitored investigation into the misuse of the ED, CBI and income tax? Let me make it absolutely clear. When the law is broken, if there is evidence to show that the law is broken, please investigate. But if you use investigation as a means of blackmail to force the companies, these companies, 30 companies that are being investigated, they have contributed 335 crores to the BJP, which is a documented fact. Will you return this 335 crores till those 30 companies' innocence or guilt is established? While the investigation is going on, you have collected 335 crores. What does it mean? That means you are using investigation as a tool of blackmail. Ye hafta vasooli hai aur kuch nahi hai. Ye imandari ki jaanch nahi hai.
It is a no. We all know that the ED, the CBI, and the income tax dances to the tune of the Prime Minister. पिछले 5-6 सालों में जो कानून के संशोधन लाए गए हैं, इनकम टैक्स के कानून में जो संशोधन किया गया है, पीएमएलए कानून में जो संशोधन किया गया है, वो अफसरों को भयंकर अधिकार देता है। इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो मनी बिल के द्वारा ये संशोधन लाए थे और मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है और मेरा एक केस वहां पेंडिंग है। सारे के सारे संशोधन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संशोधन, इनकम टैक्स एक्ट के संशोधन, सारे के सारे संशोधन मनी बिल के द्वारा लाए गए हैं ताकि राज्यसभा में उसका कोई चर्चा ना हो और उस पर कोई बहस ना हो। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, भयंकर अधिकार दिए गए हैं अफसरों के हाथ में, भयंकर अधिकार दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये सारे संशोधनों का इसकी समीक्षा हम करेंगे और जो अधिकारी हैं उनको जो हक दिया गया है उसकी हम जरूर दोबारा उस पर हम विचार करेंगे। 30 कंपनियां बात कर रहे हैं, क्या आप लोग उनके टच में हैं और क्या? नहीं नहीं, मैं उनके टच में नहीं हूं। ये 30 कंपनियां की लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप वेबसाइट पर जाइए, जिस डिजिटल वेबसाइट को बड़े धैर्य शैली से वो मेनस्ट्रीम मीडिया के नहीं थे पर उन्होंने इन 30 कंपनियों को नाम भी दिए हैं, मेरे पास है वो नाम। और ये 30 कंपनियों के खिलाफ जांच हो रही है और इस 30 कंपनियों के नाम बीजेपी ने जो कागजात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि कहां कहां से हमें चंदा मिला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं और कहीं से जो चंदा आता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो ये सब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही हासिल की गई जानकारी है। हम कंपनियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन 30 कंपनियों में से सिर्फ 3 या 4 कंपनियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।